हेलो जी क्या हाल है आप सब लोगों का उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ तो आज मेरे ये जो वीडियो है टॉपिक पे है सबसे पहले टॉपिक टो आपको पता ही है कि मेरे मोस्ट फेवरेट जो लोग हैं जो कपल है ब्लड्स का कपल है तो ब्लड्स आप लोग को पता है आए दिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने उन लोगों को पॉइंट आउट किया था कि आप लोग ब्लड्स अपनी चादर चेंज कर लें इतने ज़्यादा जम्स हो गए हैं उस पर क्योंकि वो ख़ुद एक बहुत बड़े जरासीम है तो खैर है जरासीमों को जरासीमों से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी जरासीमों को थोड़ा बहुत तो जरासीमों से फ़र्क पड़ता ही है क्योंकि कुछ बड़े जरासीम होते हैं कुछ छोटे जरासीम होते हैं तो जब से उनकी शादी हुई थी तो उन्होंने अपनी बेडशीट चेंज नहीं की थी जिसकी वजह से जरासीम बहुत ज़्यादा हो गए थे उनकी तादाद बढ़ती जा रही थी तो जरासीमों ने जरासीम को मारने का सोचा और उन्होंने अपनी बेडशीट चेंज कर ली क्योंकि उन्हें खुद ही चाहिए था कि दो महीने हो गए उन्हें अपनी बेडशीट चेंज कर लेनी चाहिए लेकिन उन पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था तो मैंने उनको याद कराया कि आप लोग की बेड है उस पर बेड भी है। तो आप लोग को उसको चेंज भी करना है ये नहीं कि आप लोगों ने उसको फाड़ के ही उतारना है तो उन्होंने अब चेंज कर ली है वो दूसरी बात ये है कि वो एक पेंडू औरत है जिसको बोलने का ज़रा नहीं पता जो से किस्म की औरत है पेंडू लोग हैं पेंडू को क्या पता उसकी तो बोल रही थी मैं थानू कैसे दे सी पता नहीं कैसा अजीब सा बोलती है तो इतना उन्होंने बोला बोल बोल के उन्होंने पेंडन औरत है उन्होंने बोल बोल के बैठ गई थी उल्टी बिछा ली अब कॉमन सेंस की बात है जो बेडशीट की निचली साइड ऊपर तो बिस्ली पिलो आ जाने हैं जो पिलो के कवर हैं होते हैं उसका वो बोलती है शार्ट 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 पता नहीं वो कौन सा उस टाइम शार्ट मार रही होती है या कौन सा शार्ट मारने का सोच रही होती है वो सारा दिन करंट की बातें करती रहती है उसने अपने वीडियो में पूरे में शार्ट 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 मारती रही है पता नहीं कितनी बार करंट पड़ गया पहले बास काला सा है और खुद भी उसके आर्म वगैरह ब्लैक हैं तो जो महविश है उसके ना हाथ काले हैं तो वो काले रंग की है तो काफ़ी ज़्यादा काली है वो उसने मुंह पे आई थिंक बेस वगैरह लगाई होती है या फिर वो कुछ मोबाइल में उनके फिल्टर वगैरह होते हैं वैसे भी वो डे टाइम में ज़्यादातर अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जिसकी वजह से उनका रंग थोड़ा सा वाइट आ जाता है तो हाथ उसके आप देखें ना काले होते वैसे भी मैंने उसको एक और बात कहनी थी अपने हाथों पर थोड़ा सा लोशन लगा लिया करो भाई तुम्हारी स्किन बहुत से ड्राई हुई हुई है डल हुई हुई है महविश बिलड़ी तो ठरकी बिलड़ी तो तुम्हें अपने हाथों की थोड़ी केयर करनी चाहिए तो हाँ अगली बार मैं ये कह रही थी कि जो उसकी बेडशीट इतना उससे अपनी बेडशीट गलत बिछा ली तो मुझे बस हैरानी हुई कि एक तो बंदा पागल है ठीक है पेंडू है लेकिन इतना भी पे कोई पेंडू नहीं होता वो सारा दिन नेट चलाती है उनकी तो ज़िंदगी नेट पर उनकी कमाई उनका सब कुछ खाना पीना नेट पर ही है और वो यूट्यूब यूज़ करते हैं तो यूट्यूब पर मतलब इतनी तो देखो सेंस खुद भी होती है ना कि एक मतलब डिजाइनिंग वाली साइड है फ्लावर वाली साइड है जैसे कि हमारे सूट होते हैं तो उसकी जो निचली साइड होती है उस पर डिजाइन वगैरह बना डिज़ाइन वगैरह बना होता है वो उसके डिज़ाइन वगैरह झालर वगैरह हम लोग ऊपर वाली साइड में तो नहीं कर सकते ना ऑब्वियसली तो वो ऐसे पागल है उसमें शार्ट शोट शार्ट शार्ट शीटी शटा मार मूर के अपनी शटअप उसको करना चाहिए था बाँस को उसको और उसकी चादर बिछवा के सही तरह करने चाहिए थी लेकिन उन्होंने सही तरह चादर ही नहीं अपनी बिछाई और उन्होंने चादर ही गलत बिछा ली तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा था आई थिंक उसका ना खुद ही किसी ने कमेंट कर दिया या जो भी आ, मतलब आई डोंट नो कैसे भी उसको पर पता चल गया कि चादर हम लोगों ने गलत बिछाई तो शायद उसने ठीक कर ली थी चादर कितने पेंडू हो रहा था कि उसको चादर का नहीं पता कि एक चादर कैसे बनाई जा सकती है वीडियो से दस बनवा लो दिन में लेकिन चादर उसे एक नहीं बिछानी आती इतने एक जीव से वो रहा था उसने एक सूट ही दस दस दिन बीस बीस दिन चलाई रखा बंदा पूछे तुम मैं यार सूट मिल ही गए हैं मान लिया कि तुम्हारी ज़िंदगी में कभी सूट नहीं थे आई थिंक पाँच पाँच छः छः सौ सूट उन्होंने दोनों तरफ से सिर्फ लगाए हैं तो हमारे तो इधर ये है कि फिफ्टी टू एक साइड से होते हैं और फिफ्टी टू एक साइड से होते हैं तो उसके सिर्फ आई थिंक पाँच या छः सूट थे तो उसने छः या सूट में ही उसमें इतना मतलब कर लिया कि उनको मतलब वो पहन ही नहीं रही है पागल हो रो तुम पहनो तो सही यार तुम्हारे कपड़े तुमने किसी को आके देने हैं रही बात क्या नाम है उसका बास खुसरी तो की तो जी है मुझे बहुत हैरानी थी मैंने उनकी वीडियो देखी उन्होंने की जो उन्हों ओ जो बहुत बड़ी दावत पे गई तो बहुत बड़ी दावत पे उन्होंने जाना था तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा हैरानी थी कि इतने अमीर लोग पैसा ही बहुत पैसा ही बहुत बुल्ल बलड़ जी बुलड़ी के लिए अभी तक एक माइक्रोवेव नहीं खरीद के लाए जो कि उन्होंने कहा था बुलड़ी जी आप इसको ना माइक्रोवेव को यूज़ ना करें मैं आपको माइक्रोवेव ला दूंगा तो जी बुलड़ी के लिए माइक्रोवेव

चीज़ें कैसे इस्तेमाल की जाती है अच्छा जी दूसरी बात ये है कि वो बुल्लड़ी ने कपड़े कसम खा लिया है कि मैंने नहीं बदलने जो कपड़े हैं मैंने उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है, गुजार है। चाहे जो मर्जी हो जाए मैं कभी भी अपने कपड़े नहीं बदलूँगी ठीक है जी अब बिलोडी जी ने अगली बात और मैं आपको बताती हूँ जो कि बसरी जी हैं अब बास जी ने यह काम किया कि अपने वो गाड़ी किसी को नहीं देते अपनी गाड़ी को वो अपनी एक वाइफ की तरह रखते हैं और ये समझ लें कि गाड़ी साथ ही उनकी शादी हो गई है वो गाड़ी को किसी को हार नहीं लगाने देते इवन कि वो खुद भी अपनी गाड़ी यूज़ नहीं करनी इस बात पर बाजी खुशरी बहुत ज़्यादा अपने बात को अहमियत देती हैं कि उनकी कार है और वो अपनी कार यूज़ नहीं करेंगी तो बाजी खुशरी ने काम यह किया वह क्योंकि बाजी खुशरी की कार है बाजी खुशरी उस कार को किसी को नहीं देती इवन कि आप भी यूज़ नहीं करती तो अगली अगली बात यह है कि अब बाजी खुसरी ने अपनी कार में बहुत ज़्यादा हैरान थी कि बुलट एंड बुलड़ी कपल जो बुलेट्स का कपल है वो कैसे जाएगा बाइक पे तो बुल्लेट बेचारे ने तो ये भी कह दिया था बेचारा सादा जी जिहे बंदा है बुलट बंदा है तो बुलट ने यह भी कह दिया था कि बुलड़ी जी आप शरारा बेतुल मत पहनिएगा हमने बाइक पर जाने की हमारा शरारा शरारा ना बच जाए और फिर हमारा शरारा शरारा गाना ना आ जाए हम पे बिल्डूठी ने मेरे ख्याल से शरारा नहीं पहना लेकिन जो भी पहना है वो पहनता है उनको एक समझ नहीं आती वो फ़्रॉक कभी वो शरारा कह देते हैं कभी वो फ़्रॉक कह देते हैं तो निकलता वो कुछ और ही है कुछ तीसरी चीज़ ही निकलती है तो मुझे उनकी बात पे कोई यकीन नहीं है कि वो क्या चीज़ होती है उनके लिए उन मतलब उनकी नज़र में जो चीज़ शरारा फ़्रॉक लहंगा वगैरह होता है हमारी नज़र में वो कुछ और होता है और हकीकत में भी वो कुछ और होता है अच्छा जी तो अगली बात ये है कि वाजी खुजरी ने अपनी कार उनको प्रोवाइड कर दी अपनी कार Bazı kusur iki बाजी खुजरी की कार में वो बैठ के गए हैं पर मुझे बहुत अच्छा मैं कह रही कैसे हो सकता है बाजी खुजरी की कार में ये बैठ के गए लेकिन राज कैसे छुप सकता है राज सामने आ गया कि उन्होंने अपनी कीनू मसनिया टाइप को चीज़ भेजी थी जो कि वो बेचारी बुलड़ी टाइप तो हो रहा है वो चाहे अपने बुल्लों में पकड़ लेती लेकिन इतना भार उसके बुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे तो उन्होंने इसलिए अपनी कार दी कि इस कार में रख के प्लीज़ आप लोग ले जाए ताकि बुल्ल और उसके बुल्लों पर बाहर ना पड़े क्योंकि बाइक पर तो अब बिजली वो नहीं ले जा सकते सकते थे बाजी गुजरी ने अपने कारण को दी थी और जी अगली बात ये अगली बात क्या थी वैसे या सारा दिन में करते ही इतना सब कुछ है। मैं तो खुद भूल जाती हूँ मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि क्या मतलब इतना सब कुछ करते हूँ और दिन में तीन तीन फिर से वीडियोस डालनी शुरू कर दी है भाई इनके पास तो टाइम ही नहीं है इनके पास इतना टाइम नहीं है भाजी बुलड़ी के पास कि अपने हाथों पर वो लोशन लगा सके उसके हाथ एक मतलब उसके जो हाथ है आप देखिएगा वो वीडियो ही मैं ये माक्स इसलिए यूज़ करती हूँ ये यहाँ से ना बंद होता है तो मेरे को ना ये ठीक लगता है तो पता नहीं वो कैसे बोलती है तो खैर उसको बोलना दे जैसे वो बोलती है अच्छी बात है वैसे बोलती है मेरा मार्क्स नहीं दिख रहा है पता नहीं <laughs> असल में जब से बुल्ल की वीडियो देखी है तो ये कहला मुझे भी अच्छी क्योंकि पतलते हो तो खैर फिलहाल आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी फ़िलहाल बाय बाय